वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए झटपट रेसिपी लेके आया हूँ और वो रेसिपी का नाम है चिकन हलीम। चिकन हलीम बहुत झटपट और जल्दी बनती है व्यूअर्स, और जैसे कि गोश्त की हलीम में तो बहुत टाइम लगता है, और आपको पता है कि किचन में कितनी गर्मी होती है, तो बस ये कि झटपट काम करने का दिल करता है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि चिकन की हलीम के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं। तो हमें गंदम चाहिए, जौ चाहिए, चावल, चने की दाल, लाल दाल, पीली दाल और ये स्पाइस, और हम इस्तेमाल करेंगे शान का हलीम मसाला एंड कोरमा मसाला। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब मैं चने की दाल डाल दूँगा। ये देखें, जिस तरह आप लोग जो हैं अपने घर के अंदर दाल पकाते हैं उसी तरह ही ये पकेगा। ये देखें, ये लाल और पीली दाल चली गई इसके अंदर। ये देखें, आप लोग देखते जाइए ताकि आप लोग के लिए ईजी हो। और ये अब जा रहा है इसके अंदर गंदम। सब चीज़ें एक साथ ही जाएंगी ताकि ये के सब पक जाएं आराम से। और ये चावल भी चले गए। बहुत से लोग चावल नहीं डालते, तो ये के आप लोग का हो तो आप लोग डाल लें, नहीं हो तो ना डालें। सबकी अपनी अपनी ही मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है, पर मैं तो चावल इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स देखिए, फाइनली ये सारा जो है मटेरियल चले गया है, दालें, घीयों, गंदम सब इसमें ऐड हो चुका है। और अब क्या हम करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे स्पाइस। और अल्लाह आपका भला करे व्यूअर्स, इसके अंदर अब हम जो हैं, आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर हम शान का हलीम मसाला डालेंगे। इससे ये होता है, ये मत समझ लीजिएगा व्यूअर्स आप लोग के हलीम का मसाला शान का यूज़ करें या नेचर का, क्या बड़ा इसी से टेस्ट आएगा। इससे जो है सिर्फ जायका आता है, और बस असल जायका तो आपके अपने घरों के मसालों से आता है, जो कि बहुत ही मज़े का खाना बनता है। और देखें, ये कोरमा मैंने मसाला इसमें इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो मैं बना रहा हूँ चिकन हलीम, तो ये सारे मसाले इस दालों में ही क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि व्यूअर्स मैंने इसलिए सारे मसाले एक साथ ऐड करे हैं क्योंकि मैंने जो है चिकन की हलीम बना रहा हूँ। तो देखें, ये मैंने यखनी के लिए मैंने चिकन को इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप जो है देख सकते हैं कि ये चिकन बकरी है, इसमें बिल्कुल यखनी के हैं। ये आप देख सकते हैं कि हलीम का कैसा टेक्सचर आ चुका है माशाल्लाह से। ये बिल्कुल जो है मैंने इसको इतनी गोट दी है कि ये इसका, ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त और A1 लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब आपने व्यूअर्स क्या करना है, इसके अंदर हमने जो यखनी का पानी हमने रखा था बनाने के लिए, तो फाइनली वो भी डन हो चुका है। तो हम यखनी का पानी हम इसमें ड्रॉप करेंगे। आप लोग देखें ये किस तरह मैंने यखनी का पानी पूरा इसमें डाल दिया है, फाइनली चले गया है। और इसके साथ साथ हम लोग इसको घोटा लगाएंगे। घोटा आप लोग लगाते रहिए। और देखें, ग्राइंड करने से व्यूअर्स आप लोगों की हलीम जो है ना, चिकन की हलीम बहुत ही जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ग्राइंड ना कीजिएगा, हो सके तो बस हाथ से ही आप घोटते जाइए, साथ साथ घोटते जाइए। तो फाइनली देखें, ये दालें सारी घुट गई हैं जो मैंने शुरू में डाली थी, और जो मसाले आजाद थे वो देखें सारे पक चुके हैं, और ये सब कुछ जो है टेक्सचर आ चुका है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, देखें ये शान का जो है ये हली मसाला है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये आपके खानों को जो है ना बहुत ही लज्जत और बहुत टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपके खाने को जो है ना ये बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बनाता है। तो ये कि आप लोग इस्तेमाल कीजिए, हर खाने में इस्तेमाल कीजिए। अब तो बहुत से मसाले आ चुके हैं शान के, तो ये कि शान मसाले आप लोग यूज़ कीजिए, अपनी सब्जियों में भी यूज़ करें। तो नाउ फाइनली व्यूअर्स देखें कि अब ये हमारे पास चिकन है जो मैंने इसको जो है क्रश कर लिया है, एंड ये हम अभी थोड़ी देर में डालेंगे। तो देखिए, ये मैंने प्याज जो है लाल करने के लिए रख लिए, ब्राउन करने के लिए इसको हम लोग जो है ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे। और साथ में मैंने
हरा मसाला भी तैयार कर लिया है व्यूअर्स, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो चुका है। तो नाव अब हम लोग जो है चिकन डालते हैं इसके अंदर। देखें ये ऐसे चिकन जाएगा, चिकन चिकन डालते डालते आपने साथ में गोटा भी लगाना है ताकि आपकी चिकन जो है एक ही जगह पे स्टैंड ना करे। देखें ऐसे करते जाइए, या देखें कैसे घुल गई है एकदम अंदर। और नाव आप अगेन आप इसी तरह प्रोसेस करते चले जाएँ, ऐसे डालते चले जाएँ, पूरी ही डाल दें। फाइनली मैंने पूरी डाल दी है और मैं इसको जो हूँ घोट रहा हूँ। तो व्यूअर्स मैं आपको फिर इसका जो है फाइनली रिज़ल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। बस देखें ये प्याज है और मैंने जो है ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो अब मैं ये प्याज जो है इसके अंदर फ्राई करूँगा। देखें ये फ्राई हो जाएगी। हम ये प्याज जो है हलीम में इस्तेमाल करेंगे जब ये ब्राउन हो जाएगी हल्की ज़बरदस्त। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसका तड़का लगाने लगे हैं। फाइनली चूल्हा हम करेंगे बंद और हम पकड़ेंगे हाथों की मदद से। अब ये पूरा जो है ब्राउन प्याज और ऑयल हम इसका तड़का डालेंगे हलीम में। वाओ व्यूअर्स देखें ज़बरदस्त कैसे माशाल्लाह से पूरा चले गया है इसमें तड़का। हमारी ये हलीम चिकन हलीम हमारी रेडी है और आप लोग जो है नान के साथ खाएं और वैसे खाएं। वाओ ज़बरदस्त हो गया ये तो। देखें व्यूअर्स कैसे ज़बरदस्त हमारा हलीम तैयार है और बहुत बेहतरीन और झटपट तैयार हुआ है, बहुत लजीज है। बस आप लोग जो है इन्जॉय किए। फाइनली हमारा हलीम चिकन हलीम तैयार है और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा है और खाने में भी बहुत यमी एंड टेस्टी है। सो व्यूअर्स के आप लोगों ने जो है ये मेरी रेसिपी ट्राई करनी है और अगर आप लोगों को लगे कि कुछ कमी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में। और आपने एंड में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है एंड क्लिक भी करना ना भूल लीजिएगा व्यूअर्स। सो ये फाइनली तैयार है तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपके साथ मैं फिर आऊँगा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।